Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा, तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद नवा अध्याय, आखिर के दो श्लोक हैं 43 और 44, लास्ट के दो श्लोक है आज, और आज यहाँ पे ये अध्याय खत्म होने वाला है। तो प्रेमावती का सेवा था लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको कोशिश करता हूँ, कुछ प्रयास करता हूँ। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का, ताकि मैं इसको कुछ प्रभुपाद जी के कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, सारे आचार्य की कृपा से मैं इसको कुछ इसके ऊपर बोल पाऊँ जो प्रभुपाद या भगवान या गुरु महाराज जो बोलवाना चाहे। हरे कृष्ण। हम लोग हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। हरे कृष्णा। तो मैं शेयर करता हूँ थर्ड कैंटो, इसका नाम है स्टेटस क्यो, नवा अध्याय, ब्रह्मा स्प्रे फॉर क्रिएटिव एनर्जी, ब्रह्मा के द्वारा सृजन सृष्टि हेतु प्रार्थना, और श्लोक नंबर 43 सर्ववेदमयेनेदम् आत्मानात्मात्मयोनिना प्रजाः स्रज यथा पूर्वं यश्च मयि अनुषेदते। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजाः स्रज यथा पूर्वं यश्च मयि अनुषेदते। इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बाय फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस यू कैन नाउ जनरेट द living entities as before by dint of your complete Vedic wisdom and the body you have directly received from me, the supreme cause of everything. इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं हम लोग। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः यजेदं स्वेन रूपेण पञ्जनाभस्तिरोददे। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः यजेदं स्वेन रूपेण पञ्जनाभस्तिरोददे। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। Translation by His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. The sage Maitreya said, after instructing Brahma, the creator of the universe, to expand the principal Lord, the personality of Godhead, in his personal form as Narayana, disappeared. Iska hum log translate, iska tatpare bhi padhte hain. Hum log tatpare bahut chota hai. Main isko Hindi mein padhta hoon ek bar. ब्रह्मांड का सृजन कार्य करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोक भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में
हाँ, तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा, अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसे कि अल्पज्ञों की कल्पना है। भगवान अपने यथा रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता के से कलुषित नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति शीर्षक नवे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ भुवने मन्यौ शरण्याकौ श्री राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातन भगवतो श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। तो सभी का फिर से स्वागत है आज के भागवतम के सत्र में, और हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के नौवे अध्याय का श्लोक नंबर 43 और 44। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं चल रही हैं और चल रहे, उन्होंने पूरा अपना मतलब प्रार्थना खत्म की और भगवान ने उनको अपना कृपा देना शुरू किया, अपना आशीर्वाद देना शुरू किया। भगवान वहां पे बोल रहे थे, तो हमने कल देखा था कैसे भगवान बोलते हैं कि सिर्फ मुझ में ही रति होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि आज के श्लोक में भगवान क्या, वो कह रहे हैं कि मेरे आदर्श का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्व वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। तो अब यहाँ पे भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तुम जो है ये सृजन कार्य, जो जीवों को उत्पन्न करना है, ये कार्य तुम अब शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी वर्ड्स जो हैं बहुत है, या उनका जो मूड है हम लोग को समझना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे आदर्श का पालन करके, यानी जैसे बाय फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस, मैंने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं पहले भी एक बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट में जब कुछ बनाना होता है, कुछ बिल्डिंग बनानी है या एनीथिंग, तो उसका पहले ब्लूप्रिंट एक रेडी होता है, प्लान रेडी होता है, डिजाइन पर रेडी होता है। इसके हिसाब से इंजीनियर सारा काम इंजीनियर करता है, लेकिन वो इंजीनियर उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, उसमें वो एक सेंटी भी इधर नहीं जाता इधर नहीं जाता, एज इट इज। उसका जो डिजाइन जो दिया गया है, ये कॉलम जो है अगर 400 बाई 400 का है, 40 सेंटी बाई 40 सेंटी है, तो वो उसको 30 बाई 30 नहीं करेगा या 50 बाई 40 नहीं करेगा, एज इट इज 40 बाई 40 है तो 40 बाई 40। इसका ये डायमेंशन यहाँ से 3 मीटर है तो 3 मीटर ही रखेगा, उसको 3.5 भी कर दिया तो बिल्डिंग गिरने के चांस है। तो इस फॉलोइंग मेटिकुलसली, मतलब वो ये ध्यान रखता है कि मैं थोड़ा सा भी इसके बाहर न जाऊं मैं, और उसको पूरी तरह से फॉलो करता हूं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी भी जो है ये पूरे रूप से जो भगवान ने सारा बना के दिया, जैसे हम देखते हैं जो भागवतम के जो 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग हमने देखा था, तो उसमें सर्ग जो है ओरिजिनल क्रिएशन ये पहले भगवान करते हैं, विसर्ग में ब्रह्मा जी सिर्फ उसको उस इंस्ट्रक्शंस को, वो उस इंजीनियर की तरह जो सारा ब्लूप्रिंट बना हुआ है एज इट इज उसको फॉलो करते जाते हैं। इसमें वो अपना इंटेलिजेंस लगाते हैं कि मैं कैसे इसको अच्छी तरह से कर सकूं, तो ये उनका इंटेलिजेंस उसमें लगाते हैं वो। लेकिन इनिशियल इंस्ट्रक्शन, जैसे हम देखते हैं कि इवन
चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शंस दिया दशाश्वमेध घाट पर और उसको रूप गोस्वामी इतना इलेबरेट किया, इतनी सारी किताबें लिखी, वो जस्ट एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दिया था और उसको उसने, तो ऐसा एक चीज ये भी समझना चाहिए कि जब कोई इंस्ट्रक्शंस मिलता है तो हमको अपना इंटेलिजेंस लगा के उस इंस्ट्रक्शंस को मैं कितने अच्छी तरह से पालन कर सकूं, उसके लिए उसमें अपना इंटेलिजेंस लगाना चाहिए। यहाँ पे भगवान के इंस्ट्रक्शंस के आदेशानुसार ब्रह्मा जी सारा कार्य कर रहे हैं और बाय द डिंट ऑफ कंप्लीट वैदिक विजडम मये नेदम, मतलब जो यहाँ पे क्या वर्ड है, मये नेदम, तो वेद मयेना, यानी जो वेद का जो वैदिक ज्ञान है वो उसके हिसाब से जो है तुम काम करोगे बाय द डिंट ऑफ योर कंप्लीट वैदिक विजडम। तो बुद्धि, मतलब अगर देखा जाए तो बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी से कहा जा रहा है कि वेदमयम ने जो वैदिक नॉलेज है उसके हिसाब से तुम ये कार्य करना शुरू करो। तो ब्रह्मा जी मतलब कोई भी कार्य जो है हम लोग उसको कैसे, मतलब शास्त्रों के बेसिस पे हम उसको कैसे हम उसको करें, ये भगवान का ये दूसरा इंस्ट्रक्शन कि कैसे वेदमय है, मतलब उसके हिसाब से तुम करो। अब इसमें एक बहुत अच्छा अगर देखें इस श्लोक में जो वर्ड है आत्मनात्मा, यानी ये जो वर्ड है अगर हम लोग देखें तो इसी आत्मा वर्ड को अलग अलग रेफरेंस दिया गया है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि संस्कृत में एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उसको कहाँ पे यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये किसके लिए यूज किया गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो शब्द है आत्मना, यानी इधर शरीर के लिए यूज किया, आत्मना जो है वो बाय द बॉडी, आत्मा यानी तुम, यानी तुम जो हो आत्मा, जो आत्मना से यानी तुम्हारा जो शरीर है, आत्मयोनिना जो मुझसे प्राप्त हुआ है, ये शरीर जो मुझसे आत्मयोनि यानी मुझसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ब्रह्मा जी को रिफर किया गया है, उनके शरीर को रिफर किया गया है और भगवान को भी रिफर किया गया। और इसके पहले का अगर हम लोग श्लोक देखें तो उसमें भी ऐसे था, हम आत्मा आत्मनाम यानी आत्मा यानी जितने भी जीवात्माएं हैं उनमें मैं परमात्मा हूं। वही देखें तो एक ही वर्ड का कैसे संस्कृत में अलग अलग रेफरेंसेस हैं और वो कहाँ पे लगा है उसके हिसाब से जो है हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। हम डायरेक्टली कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आत्मा मतलब बस ये जो हमारे अंदर आत्मा है उसी को, ऐसे नहीं। उसको उस लैंग्वेज में संस्कृत में कैसे यूज किया जा रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आत्मयोनिना, तो यहाँ पे कहा जाए तुम्हारा शरीर से तुम जो मेरे द्वारा प्राप्त आत्मयोनिना, तो इसको तुम जो प्रजा सृज यथापूर्वम, प्रजा जो है प्रजा का सृजन तुम करना शुरू करो। कैसे? यथापूर्वम, जैसे तुमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी, पहले भी हमने एक श्लोक देखा था जहाँ पे बोलते हैं जैसे मैं पहले कर रहा था, यानी ब्रह्मा जी को भी याद है कि मैं अभी जन्म हुआ है मेरा, लेकिन ये काम मैंने पहले भी किया है और आपकी कृपा से जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे कर सकूं। और भगवान भी इस बात का यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं फिर से कि जैसे तुम पहले कर रहे थे वैसे ही तुम सृजन करना शुरू करो। तो वो जो श्लोक था वो था एक मिनट, उसके पहले वाला जो श्लोक था ट्वेंटी फाइव या
तो उसमें भी यही कहा गया था कि कैसे जो है तुम ये सृजन कर सकते हो, ये जैसे तुम पहले कर रहे थे वैसे तुम करना इसको शुरू करो। तो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इस बात को, और कैसे करना है, कहते हैं यथापूर्वम, जैसे तुम पहले कर रहे थे वैसे तुम इसका प्रजा का सृजन करो। यश्च मयि अनुशेरते, यानी यथापूर्वम यश्च मयि अनुशेरते, या जो मुझमें स्थित है, लाई इन मी। तो यहाँ पे भगवान ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यहाँ पे भगवान इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जैसे तुम पहले कर रहे थे मेरे आदेश अनुसार, और तीसरा वैदिक विजडम, वेदमय है ना, इसके हिसाब से तुमको सृजन करना है। और फिर हम लोग इसका अगला श्लोक देखते, वैदिक विजडम भी जो है ये भी एक बहुत, मतलब वेदमय है ना, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द है इसमें। तो अगर हम लोग इसको देखें इस शब्द को, तो जो वैदिक विजडम है ये कैसे आएगा, पहले तो उसको सकता है कि मुझे भी ऐसा बुद्धि चाहिए, मैं भगवान के लिए मैं काम कर सकूं। तो ये तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक नंबर 42 में कहा गया है कि सिंपली बाय हियरिंग योर अबाउट योर लोटस फीट, हमने देखा था पांचवें अध्याय में कि अगर हम भगवान के चरणों का सिर्फ श्रवण भी करते हैं, कैसे है? हमने देखा था विद ईगरनेस, बहुत ही आतुरता से श्रवण सभी करते हैं हम लोग। जैसे हम देखते हैं, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जब टीचर जब स्कूल में जब बोलती है, जब पढ़ाती है, तो 60 बच्चे होते हैं, और उन 60 के 60 ऐसा नहीं है कि एक ही असर होता है, कोई 0 लाता है, कोई 35 लाता है, कोई 65 लाता है, कोई 95 लाता है। तो श्रवण किसका कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाय हियरिंग एंड कितनी उत्कंठा से, मतलब कोई सुन रहा है लेकिन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो वैसे श्रवण का वो श्रवण नहीं कहेंगे उसको, बस वो जो है मतलब हिस अटेंडेंस लगा रहा है। तो ईगरनेस मतलब कैसे उत्कंठा से उसको सुनना है, एंड डिवोशन भक्ति के साथ, एंड बाय मेडिटेटिंग अपॉन देम विद इन द हार्ट, और उस भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण करके उसका स्मरण करके पूरा भक्ति से, पूरे उत्कंठा से, एंक्शियसनेस से, ईगरनेस से वो भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ये हमने उसमें देखा था। तो आगे कहते हैं, वंस बिकम एनलाइटेड विद नॉलेज, एनलाइटेड विद नॉलेज, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो खाली हम लोग बोलते हैं कि मैं तो इतने साल से श्रवण कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक भक्ति जागृत नहीं हो रहा है, मैं चैंटिंग ढंग से नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर इनअटेंटिवनेस। अगर हम लोग देखें जो 10 अपराध हैं, तो उसका सबसे जो आखिरी वाला है चैंटिंग इनअटेंटिवली, वो हम लोग जब क्या बोलते हैं लास्ट में, ये जो कारण है ये सारा मूल कारण है बाकी सारे 9 अपराधों का। तो अगर ये एक अपराध से बच जाते हैं इनअटेंटिव, और इनअटेंटिव चैंटिंग को हम लोग ये भी कह सकते हैं, तो भी मतलब किसी का ध्यान नहीं देना, हम यानी किसी व्यक्ति को, गेस्ट को बुला लिया हमने, जैसे हम बोलते हैं प्रभु जी आप आइए या माता जी आप आइए, उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको बिठा दिया और अपना, अरे ये काम बाकी है मेरा, वो काम बाकी है, अरे मेरे ऑफिस का लैपटॉप पे बैठ जाऊं काम करते रहो, तो उस गेस्ट को कैसे लगेगा? सो वी आर बीइंग इनअटेंटिव, सो ऑल्सो इट मीन्स कि वी आर बीइंग इम्पर्सनल। तो ये जो इम्पर्सनल वाला जो है, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं डोंट बी इम्पर्सनल, तो इम्पर्सनल मतलब सिर्फ मायावादी नहीं, मेरे अंदर ये जो इनअटेंटिवनेस या जो इम्पर्सनल है, मतलब मैं लोगों को अटेंशन नहीं देता, मैं लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता, बीइंग इम्पर्सनल, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आई बिहेव लाइक, जैसे कोई कॉलम है, कोई आया अभी तो अपना इधर उधर देख रहे हैं, उस व्यक्ति को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना हरे कृष्णा, ना नमस्कार, ना दंडवत प्रणाम, कुछ नहीं, मतलब
टू मेक हिम फील कि वो वहां पे है ही नहीं. दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनलिज्म विद इन आवर सेल्फ. तो मायावादी जब हम लोग बोलते हैं या इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज द मायावादी. ये हमारा नेचर भी है, तो उस जो इम्पर्सनल नेचर को हम कैसे दूर करें. और यही कारण है कि इसके कारण जब हम भगवान के नाम को, वैष्णवों को, जब हम इम्पर्सनल हो जाते हैं उसके प्रति, तो हमारा फॉल डाउन शुरू होता है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड्स. तो ये इनअटेंटिवनेस जो है हमारा, ये अगर नहीं होगा तो भगवान कहते हैं अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमारा भक्ति भी जो अच्छा होगा, हमारा श्रवण अच्छा होगा, और हम लोग ज्ञान जो है वो भी अच्छे से. ज्ञान मतलब सिर्फ सुन के, यहाँ से सुन के वहां पे बोलना नहीं है. दैट इज, मैंने किसी एक अपने सीनियर वैष्णव से सुना था, आई डोंट नो, मेरे को नाम याद नहीं है, बट इससे बोलते हैं दिस इज वॉमिटिंग. यहाँ से सुना, यहाँ पे बोल दिया, यहाँ से सुना. उसका कनेक्शन है नहीं है, उससे लेना देना है कि नहीं है, बस मैंने सुना है, मुझे बोलना है. तो वैसे नहीं होना चाहिए. वी शुड सी, हम जब बोल रहे हैं तो उसका कनेक्शन वहां पे है या नहीं. और ऐसे जब अटेंटिवनेस जो रह के हम लोग, ईगरनेस से हम लोग जब श्रवण करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, और उस आध्यात्मिक ज्ञान को हम वहां पे जोड़ भी पाएंगे हम लोग अच्छी तरह से. तो ये आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आएगा ये हमने देखा. फिर और एक जो चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब गुरु पे नितांत श्रद्धा, एकदम अपार प्रेम जब होता है, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना. Only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master. भगवान के प्रति और गुरु के प्रति उसका unflinching, यानी unflinching यानी वो भले कुछ भी बोल दे. जैसे अगर कोई एक सती या पतिव्रता नारी है, उसके हस्बैंड के बारे में कोई भी कुछ बोल दे, तेरा पति तो ऐसा है, वो तो लंपट है, वो ये स्त्री के पास जाता है, उसको मतलब बोलता नहीं, मेरे मेरे पति पे पूरा भरोसा है. तो वैसे ही अपने भगवान पे जो है, चाहे कितने भी मायावादी आ जाए, कितने भी परधर्मी आ जाए, तुम्हारा भगवान ऐसा है, ये कुछ भी बोल दे, भाई मेरा श्रद्धा पक्का है मेरे मेरे मालिक पे और मेरे गुरु पे. तो ये जब ऐसा प्रगाढ़ जो श्रद्धा है भगवान के प्रति और गुरु के प्रति, only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master, thus transcendental knowledge can become automatically. तो ऐसा जब गुरु से और भगवान से प्रेम हो तो automatically ये ज्ञान आएगा. तो ये वैदिक विजडम कैसे आएगा, हमने देखा श्रवण eagerly करने से, पूरा भगवान पे ध्यान लगाने से, और अपने भगवान पे और गुरु पे. भगवान पे हो सकता है थोड़ा हमको टाइम लगे, एटलीस्ट अपने गुरु से उतना जो है वो ना अनफ्लिंचिंग डिवोशन होना चाहिए. अनफ्लिंचिंग डिवोशन इज नॉट ओनली इन वर्ड्स, बस मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, ऐसे नहीं, दूसरों को पता नहीं के लिए नहीं, अपने हार्ट में तुम क्या फील करते हो, व्हाट डू यू फील फॉर योर स्पिरिचुअल मास्टर, वो बहुत जरूरी है. एंड व्हाट सेवा आर यू डूइंग फॉर हिम, मतलब प्रभुपाद जी का हमने देखा कि अपने गुरु के लिए वो 70 साल की आयु में वृंदावन छोड़ के वो अमेरिका चले गए. दैट इज कॉल्ड अनफ्लिंचिंग फेथ एंड अनफ्लिंचिंग लव फॉर स्पिरिचुअल मास्टर. उनको पता है कि यहाँ पे कुछ, मतलब इंडिया में वो कई बार उन्होंने, मतलब पिछले एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, 4-5 साल से वो शायद कोशिश कर रहे थे. वो मतलब काफी टाइम उन्होंने मतलब इंडिया में लगाया. हम देखते हैं उन्होंने वो लीग ऑफ डिवोटीज भी स्टार्ट किया, बट इट वॉज ऑल फेलिंग 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 फेलिंग. लेकिन उनका श्रद्धा, अनफ्लिंचिंग डिवोशन, मेरे गुरु महाराज ने कहा है मुझे जाना है, मुझे बुक्स प्रिंट करना है, बस. सो दैट काइंड ऑफ डिवोशन इज रिक्वायर्ड विद इन योर हार्ट. एंड जब ये हार्ट में आता है तो ऑटोमेटिकली वैदिक विजडम भी जो है, या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, वो यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथित ही अर्थ है प्रकाशन्ते प्रकाशन. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन
वो चक्षु को खोल देगा हमारे। सो वो है और या तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें। और हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 44। श्लोक नंबर 44 में अब यहाँ पे हम जानते हैं मैत्रेय मुनि और किसका संवाद चल रहा है, किसके बीच में डिस्कशन चल रहा है? विदुर जी। वेरी गुड प्रभु, थैंक यू जी पवन प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये हमारे और एक अच्छे भक्त हैं जो बहुत अच्छा, इनका श्रवण बहुत अच्छा होता है। थैंक यू प्रभु। तो विदुर जी और मैत्री मुनि का समाचार, तो मैत्री मुनि आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर, उनके उपदेश देकर, आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स टू एक्सपांड द प्रीमियर लॉर्ड पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन हिज पर्सनल फॉर्म एस नारायण डिसअपीयर्ड। तो अब ब्रह्मा जी जो सृष्टि अभी करने वाले हैं, कैसे करना है ये सब पूरा बता के, भगवान जो थे, जो कंजनाभ नारायण के रूप में वहां पे उपस्थित थे वो, तो कंजनाभ तिरोदधे, तो तिरोदधे यानी वहां से चले। तो हम देखते हैं ना, जैसे वो वर्ड भी आता तिरोभाव, तिरोभाव का मतलब इट इज समथिंग टू, मतलब चले गए वो, मतलब वहां पे वो जब तिरोभाव बोलते हैं दिवस, इट इज नॉट जैसे डेथ होता है वैसे नहीं, यानी ऐसे जो जैसे भगवान हैं या प्रभुपाद जी जैसे शक्ति आवेश अवतार हैं या हमारे जो आचार्य हैं, ये कम ऑन देयर ओन एंड दे गो ऑन देयर ओन। तिरोदधे वो आते हैं, मतलब जैसे भगवान भी बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, इनका जो सारा जो चाहे जन्म हो कर्म हो, इट्स ऑल ट्रांसेंडेंटल। तो तिरोदधे, तो वो वहां से भगवान वहां से चले, कंजनाभ जो थे वहां से चले। द सेज आफ्टर इंस्ट्रक्ट द मैत्रेय सेड आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स टू एक्सपांड द प्रीमियर लॉर्ड द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन हिज पर्सनल फॉर्म एस नारायण डिसअपीयर। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी इसे कनेक्ट कर रहे हैं तात्पर्य में चतुश्लोकी भागवतम से। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई ही इज कनेक्टिंग टू चतुश्लोकी भागवतम? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु। अनफ्लिंचिंग डिवोशन की जो बात कर रहे थे चतुश्लोकी भागवतम में, भगवान वही कह रहे थे कि एक्चुअली जो भी आप सोचोगे, जिसको भी ढूंढोगे, वो मेरे तरफ होना चाहिए, जो भी आप करोगे वो मेरे से संबंधित होना चाहिए। तो उसके लिए प्रभु जी शायद इसके लिए वो कनेक्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। नो एनीबडी एल्स, एटलीस्ट जो हमारे एडिशनल स्पीकर है दे शुड बी एबल टू आंसर। वो लोग को स्टडी करके आते हैं, आज का तो पहले श्लोक में तात्पर्य था ही नहीं, और दूसरा वाला जो इट्स वेरी शॉर्ट तात्पर्य, तात्पर्य में दिया हुआ है। रूपा जी बोलते हैं, अगर आई विल जस्ट शेयर दैट श्लोका सो विल बी एबल टू कनेक्ट। तो यहाँ पे जो श्लोक है, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहम् यत् एताच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा, इट इज आई द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु वाज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन व्हेन देयर वाज नथिंग बट मायसेल्फ, नॉर वाज देयर मटेरियल नेचर द कॉज ऑफ दिस क्रिएशन, दैट विच यू सी नाउ इज ऑल्सो आई the personality of Godhead, after annihilation what remains will also be I, the personality of Godhead। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि creation के पहले भी मैं था और कुछ भी नहीं था, और creation खत्म होने के बाद भी मैं रहूंगा। तो now Prabhupada is connecting to, मतलब देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं मैंने तुम्हें create किया, तुम अब सृजन करो, यानी भगवान पहले से उपस्थित थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का सृजन किया, ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्ट किया, पूरा ब्लूप्रिंट दिया, ये ऐसे ऐसे करना है, स्टार्ट वर्किंग एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। तो ये जो फर्स्ट श्लोक है
वहां पे प्रभुपाद इज पॉइंटिंग आउट, जैसे कुछ जो प्रभुपाद जी कहते भी है तात्पर्य में, कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि ये क्या राम कृष्ण भगवान ये सब तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, बोले कहाँ थे बोले कृष्ण बोलते राम जी, मतलब उनका लॉजिक, कुछ लोग जिनको शास्त्र नहीं पता थे यार बोलते राम जी तो भगवान कृष्ण से बड़े हैं ना, क्योंकि वो तो पहले आए हैं, कृष्ण तो बहुत बाद में आए, तो हाउ राम कृष्ण इज सुपीरियर टू राम, राम से कैसे आप, सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी है ना, जो शास्त्र नहीं पता होता तो दे आर ऑल कंफ्यूज्ड, लेकिन हम जानते हैं भगवान कृष्ण इस आदि, अब यही ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम अनादिर आदिर गोविंद, और वो बोलते हैं गोविंद है वो, तो अनादि है आदि है सबसे पुराने हैं, पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ब्रह्मा जी पूरा प्रेयर्स में उनका वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो ये जब शास्त्र समझ जाएंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा हम लोगों को कि ऐसा क्यों, या कुछ लोगों का कहना है ब्रह्मा जी के द्वारा सब ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी के भुवन से रुद्र आते हैं, उनके नाक से वराह देव आते हैं, तो ब्रह्मा जी इज क्रिएटिंग, ब्रह्मा जी इज स्टिल सुपीरियर, बट ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या प्रे कर रहे हैं, उनका प्रेयर्स आर वेरी वंडरफुल, और पूरा प्रेयर्स में देखा कि आप, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि भगवान उनको बोल रहे हैं कि अब तुम इसका सृजन चालू करो, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है चतुश्लोक भागवतम को रिफर करके, चतुश्लोक भागवतम चतुश्लोक भगवद्गीता दे आर द क्रक्स ऑफ अवर वैदिक कंक्लूजन, ये अगर हम लोग समझ गए, और जैसे हमने पहले भी देखा था इस चतुश्लोक भागवतम को ही एक्सपांड करके, जब ब्रह्मा जी का सृजन हुआ था तो उनको चतुश्लोक भागवतम दिया गया था, उसी को एलेबरेट करके उन्होंने जो आज जो भागवत हमको मिल रहा है, ओरिजिनली तो काफी बड़ा है लेकिन हम लोगों को ये 18,000 वाला उन्होंने दे दिया है, सो दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और फिर बाद में आगे फिर कहते हैं कि व्हेन द क्रिएशन अवेटेड ब्रह्मास एक्टिविटी ब्रह्मा सॉ द लॉर्ड, मतलब अभी तक ब्रह्मा जी ने अपना क्रिएशन शुरू नहीं किया था, उसके पहले उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था, मतलब ही स्टार्टेड बिफोर एनीथिंग, उसके पहले भगवान का दर्शन लिया, भगवान से आशीर्वाद लिया, भगवान से इंस्ट्रक्शंस लिया एंड देन तो ही स्टार्टेड दैट हिज एक्टिविटी, एंड देयरफॉर द लॉर्ड एग्जिस्टेड इन हिज पर्सनल फॉर्म बिफोर द क्रिएशन, तो पहले से ही वो भगवान उपस्थित थे, ये पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है, तो और वो भी कैसे, जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान सब जगह पे है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, मैं घर पे बैठ के मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, तो ये सब जो है ये जो निराकार से ज्यादा आसक्त रहते हैं उनका थॉट्स है, लेकिन भगवान का भक्त है वो भगवान के स्वरूप से भगवान के आकार से बहुत, और वो कोई भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, और वो भगवान उस रूप में वहां पे पहले से उपस्थित है, और यहाँ पे देखा हमने कंजनाभ यानी जो नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नाभाय नमस्ते पंकजांग्रय, तो भगवान जो है कैसे पंकज नाभि, उनका नाभि जो है उनका नाभि भी कमल के समान है, तो ये तो वो जो पंकज नाभ है वो वहां से चले गए, तो मतलब भगवान उस रूप में पंकज नाभ यानी भगवान के रूप में वहां पे उपस्थित थे, उनको दर्शन दिया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया और वहां से वो चले गए, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद इज एम्फसाइजिंग ऑन द पर्सनल फॉर्म, भगवान का जो स्वरूप है उसके ऊपर वो जोर दे रहे हैं कि कैसे वो पहले से हैं और वो अपने स्वरूप में है, एंड वो अपने स्वरूप में आके, ऐसा नहीं है भगवान जो है उसको मतलब वैसा कहीं से आवाज आ रहा है ज्योति में से आवाज आ रहा है, ऐसा नहीं, प्रॉपर दर्शन दिया भगवान, हम लोग भी अगर कभी कभी हम लोग जाते हैं मंदिर में, हम लोग
वृंदावन जाते हैं, पंडरपुर जाते हैं, मायापुर जाते हैं, अगर वहां पे कुछ भी नहीं हो, खाली एक लाइट हो ऐसा, तो क्या है? अरे क्या किसको प्रणाम करूं, कैसे करूं, और क्या करना है मुझे, प्रेयर्स है करना है नहीं करना? लेकिन वही जब रूप देखते हैं हम राधा श्याम सुंदर जी का, राधा माधव का, तो इतना आकर्षित हम लोग देखते रहते हैं भगवान के एक टक बस। अब तो वहां पे मतलब धक्का मार मार के निकालते हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके हम लोग उसका दर्शन करने का प्रयास। क्यों? बिकॉज वो जो पंकज नाभ है वो इतना आकर्षक है, जैसे गोपियां भी जो देखती हैं तो देखती रह जाती हैं, बस इज सो अट्रैक्टिव। तो उनका स्वरूप वैसा है। और फिर आगे कहते हैं इस इटर्नल फॉर्म इज नॉट क्रिएटेड बाय द अटेम्प्ट ऑफ ब्रह्मा। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को बनाया, भगवान कृष्ण को बनाया, भगवान राम को बनाया। नहीं, दे आर ऑलरेडी देयर, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तिरोदधे। तो वैसे ही वो इज एवर एग्जिस्टिंग। और भगवान अपने नाभि से जब एक कमल निकालते हैं उसमें ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और वो फिर आगे सारा सृष्टि चलाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं। फिर द पर्सनालिटी ऑफ गॉड अपीयर्ड एज ही इज, जैसे हैं वैसे ही आए वो बिफोर ब्रह्मा, एंड ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिम इन द सेम फॉर्म। मतलब जिस रूप में आए, उनको दर्शन दिया, सारा इंस्ट्रक्शन दिया और वहां से वो चले गए, विच इज नॉट मटीरियली टिंच्ड। उसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी कोई भौतिकता या कलुषितता नहीं है। इट्स वेरी वेरी, भगवान जो है इट्स वेरी वेरी। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्यों कह रहे हैं इस मटेरियली टिंच्ड, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं भगवान का जो रूप है वो मनुष्य रूप है, भगवान अव्यक्त है, लाइट के समान है, फिर आते हैं और फिर एक रूप लेते हैं, फिर वो रूप छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, ही केम एज इट इज और वेंट एज इट इज, जैसे थे वैसे वो अपने रूप में स्वरूप में चले गए। तो अब हमको यहाँ से लेसन्स क्या लेना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि जैसे पहले श्लोक में था फॉलो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से जो भी हमको मिला हो अपने गुरु महाराज से, अपने सीनियर से, सिंसियरली उसको फॉलो करना है। वेद मयना, जो वेद के इंटेलिजेंस का, वेद जो है उसका एग्जैक्टली वर्ड क्या है, वेद मैना अंडर कंप्लीट वेदिक विजडम, मतलब भौतिक बुद्धि से नहीं, उसको वेदिक विजडम से हम लोग को उसमें लगाना है। और फिर जो है सेकंड इसमें हमने देखा था कि हाँ सॉरी, वेदिक विजडम आता कैसे वो भी देखा था। तो वी नीड टू ट्राई टू जितना हो सके एंशियस, मतलब ईगरनेस के साथ हमको उत्सुकता के साथ उनको सुनना चाहिए, तब वो वैदिक विजडम आएगा। अगर ऊपर ऊपर सुपरफिशियल रह के हम लोग बस अटेंडेंस लगाने के लिए, बस भागवतम में हम लोग कई बार देखता हूँ भागवतम की क्लास में लोग बैठे हैं, उधर कोई जप कर रहा है, उधर हरे कृष्ण क्लास चल रहा है, वो हरे कृष्ण तो ही इज डूइंग डबल ऑफेंस। एक वो जो भागवतम चल रहा है उसके प्रति अपराध कर रहा है, दूसरा वो नाम के प्रति अपराध कर रहा है। दोनों बहुत और वेरी वेरी, एक मतलब कोई एक अपराध करे तो भी बस है उसके लिए, लेकिन ही इज डूइंग डबल ऑफेंस। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को। या तो अगर चैंटिंग करना ही इतना जरूरी है तो मंदिर के बाहर जाओ, वहां पे जब बैठ, एंड प्लस कुछ लोग इतना जोर से करते हैं कि दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, इवन दे आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपर, सो ही इज डिस्टर्बिंग अदर्स ऑल्सो। इतना ही जरूरी है, तुमको लगता है जब तुम्हारा नहीं हुआ है करना ही है तो मंदिर के बाहर जाओ आराम से जब कर, या माला छोड़ के अपना बैग में डाल के हम अच्छे से भागवत का श्रवण करें। वो जब इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा, हमारे हृदय का शुद्धि होगा श्रवण से, हम बोलते ना चेतो दर्पण मार्जन, और फिर उस चेतना से हम अगर भागवतम करेंगे तो हमारा जप और इम्प्रूव होगा और अच्छी तरह से होगा। तो दिस वी हैव टू डू। तो ईगरनेस के साथ सुनना चाहिए हम लोगों को, और जो है भगवान के उपदेशों को अच्छे से पालन करना चाहिए, गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ जो है उनका इंस्ट्रक्शंस, जैसे प्रभुपाद जी हैं, कई हम लोग देखते हैं आचार्य लोग हैं, उनके अपने गुरु के प्रति इतना
सुपर सुपर एटलीस्ट 0.001% भी अगर उसका हमारे अंदर आ गया तो हमारा जीवन तर जाएगा. तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर एंड किसी का कोई प्रश्न है, किसी का डाउट है तो हम लोग लेते हैं. हरे कृष्ण ग्रंथ श्रीमद भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, इसकुन की जाय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जाय. हरे कृष्ण.